हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उसके अंडर में जो कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट और एनालिस्ट की जो वैकेंसियाँ निकली हुई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, क्या उसकी लास्ट डेट होगी, क्या उसकी फ़ीस होगी, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या उसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलो हम शुरू करते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो 24 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें टोटल वैकेंसी है 39। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के द्वारा निकाली गई हैं। ये एडवर्टाइज नंबर 3A/2019-20 के अकॉर्डिंग निकाली गई है। अगर इसमें बात की जाए तो आप देख सकते हो कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट एनालिस्ट की वैकेंसियाँ हैं। अगर इसमें हम फीस की बात करें तो इसमें फ़ीस जो मांगी गई है OBC जनरल और EWS कैंडिडेट के लिए 600 रुपये मांगी गई है, और फॉर SC ST PW और एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस है। फॉर स्टाफ कैंडिडेट जो मतलब RBI के ही में लगे हुए उनके लिए कोई फीस का कोई चार्ज नहीं होगा। अगर इसकी बात की जाए तो आप डेबिट कार्ड रुपये या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल वॉलेट के द्वारा अपनी फीस दे सकते हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसके स्टार्टिंग में जो फॉर्म है ये 9/4/2020 को निकले थे, उस टाइम से स्टार्ट हुए थे भरने, और 29/4/2020 तक इसके फॉर्म भरे गए थे, मतलब 9 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2020 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अब दोबारा से लिंक ओपन कर दिया है तो रिवाइज दोबारा से भरने की डेट दे दी गई। इसके फॉर्म अब दोबारा से 3 अगस्त से स्टार्ट हुए थे भरने, जिसकी लास्ट डेट थी 22 अगस्त, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट को बढ़ाकर 5 सितंबर कर दिया गया है। आप 5 सितंबर तक इसके फॉर्म भर सकते हो। इसकी एज की बात की जाए तो इसकी एज एक मार्च के अकॉर्डिंग आपकी डेट है जो 30 से 40 के बीच में होनी चाहिए। सीरियल नंबर 1 से 11 और 11 से 14 वो आपकी एज होनी चाहिए 25 से 35 के बीच में। हम इसकी अब नीचे डिटेल में बात करेंगे क्या क्या वैसे इसमें लिखा हुआ कि एज रिलैक्सेशन जैसे SC ST कैंडिडेट या OBC एक्स सर्विस मैन को जो छूट दी जाती है उसके अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन उसको दिया जाएगा। चलो हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जैसे हमें यहाँ पे देखा कि सीरियल नंबर 1 से 11 तक लिखा हुआ कि एज 30 से 40 की रिक्वायर होगी, और 11 से 14 के बीच में जो सीरियल नंबर है उसमें 25 से 35 एज मांगी गई है। चलो हम बात कर लेते हैं। कंसल्टेंट अप्लाइड मैथमेटिक्स की टोटल वैकेंसियाँ 3। इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिएगी PG पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, या मैथमेटिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स से आप होने चाहिए। वहीं इकोनोमेट्रिक्स की बात की जाए तो कंसल्टेंट की तो उसमें भी PG डिग्री होनी चाहिए, या आप तो अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स या स्टेटिक्स या इकोनॉमिक्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो इकोनॉमिस्ट मॉडलिंग में जो मांगी गई इसकी टोटल वैकेंसी है 1, और इसमें आपको चाहिए PG पोस्ट ग्रेजुएशन। ये पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मॉडलिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अप्लाई स्टेटिक्स में आपके पास होनी चाहिए। 4th नंबर पे आप देख सकते हो डाटा एनालिस्ट की है जो MPD है, 1 पोस्ट है। डाटा एनालिस्ट DOS DNBS की 2 पोस्ट हैं, और डाटा एनालिस्ट DOR और DBR की भी 2 पोस्ट हैं। टोटल मिला के 5 पोस्ट हैं, सीरियल नंबर 4 से लेकर 6। इनकी सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपको BTech कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, या BE होनी चाहिए, या PG पोस्ट ग्रेजुएशन स्टेटिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टेटिक्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या कंप्यूटर साइंस से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हम 7th नंबर पे बात करते हैं रिक्स एनालिस्ट DOS DNBS की 1 वैकेंसी है, और रिक्स एनालिस्ट की DEIO में 2 वैकेंसी हैं। तो इसमें अगर बात की जाए तो इसमें आपको मांगी गई है PG पोस्ट ग्रेजुएशन जो आपके पास होनी चाहिए स्टेटिक्स में, फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, या इकोनॉमिक्स में, या आप अप्लाइड स्टेटिक्स से हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो।
हम 9th नंबर पे बात करते हैं आईएएस ऑडिटर की। इसमें आपको बीए बीटेक सीए एमटेक चाहिएगी, और एमटेक आपको कंप्यूटर साइंस से की होनी चाहिए, या आईटी से, या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमसीए होनी चाहिए। 10th नंबर पे आप देख सकते हो स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट में एक वैकेंसी है, इसमें आपको दी गई है सी आई, या आपके पास सी होनी चाहिए, या आई सी डब्ल्यू होना चाहिए, या एम बी ए फाइनेंस से होनी चाहिए, या फिर पी जी डी एम आपने की होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 11th नंबर पर देख सकते हैं अकाउंट स्पेशलिस्ट की एक मांगी गई एक पोस्ट है, जिसमें आपको सी ए और आई सी डब्ल्यू ए आपके पास होनी चाहिए। जैसे आपके हमें बताया था कि 1 से लेकर 11 सीरियल नंबर तक की जो एज है, यहाँ पर दी हुई है 30 से 40 एज मांगी गई, और 11 से लेकर 14 तक है 25 से 35, मतलब जो 11th पे अकाउंटेंट स्पेशलिस्ट है, इसमें आपकी एज 25 से 35 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हम 12th नंबर की बात करें तो 12th नंबर पर है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसकी पोस्ट है 9, जिस और प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी पोस्ट है 5, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जिसकी पोस्ट है 6। इसमें आपके पास बी बी टेक एम टेक में आपके पास कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या एमसीए में से आपने किसी में भी की है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यही जानकारी हमें आपको देनी थी। ऐसी ही मोर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशनों की जानकारी के बारे में पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिसने इस फॉर्म को पहले अप्लाई किया उसे रीअप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इससे रिलेटेड आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उसका प्रॉपर जवाब दे दिया जाएगा। ऐसे ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।